बहुत कम लोग ही जानते हैं कि राज कपूर अपने फिल्म में हीरोइंस को सफेद साड़ी पहनाया करते थे। आइए उठाता हूँ पर्दा एक ऐसी गुमनाम कहानी के बारे में जिन्हें लोग जानना चाहते हैं। सफेद रंग को यूं तो सादगी का रंग माना जाता है, लेकिन राज कपूर ने अपनी फिल्मों के जरिए मानो इस रंग की परिभाषा को ही बदल दिया। सफेद साड़ी में अभिनेत्री राज कपूर की फिल्मों की पहचान बन गई। आखिर क्यों राज कपूर अपने फिल्म में हीरोइंस को सफेद साड़ी पहनाया करते थे? इस रंग से क्यों उन्हें इतना लगाव था? आइए जानने की कोशिश करते हैं। नरगिस, वैजंती माला, साधना, तनुजा और सायरा बानो उस वक्त की लगभग सभी अभिनेत्री को राज कपूर ने पर्दे पर सफेद साड़ी पहनाई। चाहे फिर मेरा नाम जोकर में पद्मिनी हो, संगम में वैजंती माला, राम तेरी गंगा मैली में मंदाकिनी, सत्यम शिवम सुंदरम में जीनत अमान, आवारा में नरगिस, राज कपूर की फिल्मों में हीरोइंस का सफेद साड़ी में नजर आना एक ट्रेंड सा बन गया। शायद आप इस बात से अनजान होंगे कि बरसात और आवारा में राज कपूर की हीरोइन रही नरगिस को जिस तरह से सफेद साड़ी में दिखाया गया था वह ऑडियंस को इतना पसंद आया कि उन्हें लेडी इन व्हाइट कहा जाने लगा। फिल्म जागते रहो में राज कपूर की हीरोइन नरगिस फिल्म के आखिरी सीन में जब राज कपूर को पानी पिलाने आती है तब भी उन्होंने सफेद साड़ी ही पहनी होती है। इसके पीछे एक खास वजह थी। राज कपूर को सफेद रंग बेहद पसंद था और यही वजह थी न केवल उनकी पत्नी सफेद साड़ी में नजर आई बल्कि उन्होंने पर्दे पर अपनी एक्ट्रेस को भी सफेद साड़ी पहने हुए दिखाया।